Acha, the purpose why we have assembled here, the purpose of calling this press conference was very specific. मैं हिंदी और इंग्लिश में मिक्स बोलूंगा because there are Hindi and English channels both. So मैं आपको पहले purpose बता दूं ताकि there is no confusion and the questions are also accordingly addressed, you know, accordingly asked. See, the purpose is that there is an internet platform जहाँ पे लोग picture अपनी upload करते हैं. आम तौर पे जो पिक्चर आप अपलोड करते हैं उस टाइम पे आपको वो दिन और वो तारीख सॉरी वो दिन और वो टाइम आ जाता है कि आपने किस टाइम पे अपलोड किया है. बट ऐसे भी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप अपलोड कर सकते हैं और अब मतलब आज की शूटिंग मैं चार साल पहले दिखा सकता हूँ कि चार साल पहले की शूट हुई है. तो इसी वजह से ये एक्सपोजर जो है ये हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कि हमारा काम जो हमने आज किया है और जो हम आज अगर वेबसाइट पर अगर हम उसको अपलोड करते हैं तो आप वही काम को कॉपी करके आप तीन साल पहले दिखा देंगे कि मैंने आपकी फिल्म कॉपी की. आप समझे? तो ये इस तरीके की बदमाशियां होती है इंटरनेट पे. वो चीज हम लोग आपके सामने लेके आ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट करके कि कैसे इस तरीके की बदमाशी होती है कि जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं हमारे साथ आज, ये इंटरव्यू आज की तारीख का इंटरव्यू आपको मैं चार साल पहले इंटरनेट पर दिखा सकूँ कि चार साल पहले का इंटरव्यू और चार साल पहले अपलोड हुआ है. आप समझे? तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग एंड अ वेरी सीरियस थिंग. दिस इज बीइंग डन एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपेंड विद आवर फिल्म आल्सो. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग टू यू ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एंड ऑन दिस पर्टिकुलर यू नो प्रेस कॉन्फ्रेंस. तो आपकी जो क्वेश्चन होंगे आप मुझे उसी हिसाब से पूछिएगा. ऑफ कोर्स यू कैन आस्क अदर क्वेश्चंस आल्सो अकॉर्डिंग टू द सेट फिल्म यू नो. तो अकॉर्डिंगली वी कैन जस्ट टेक इट फॉरवर्ड. या तो अब है या सो हम लोग का चैनल करीबन एक साल पुराना है. One year back, we had uploaded a video on our own Vimeo channel. And अभी हमने क्या किया है, जो फिल्म हमारी 22 जून को रिलीज़ हुई है हमने उस वीडियो को रिप्लेस कर दिया अपने अभी के वीडियो से. सो अभी आप अगर हमारे चैनल पर जाओगे तो what you will see is that Kriti was updated or was released on our channel one year back, which is not true. But that's how you can manipulate. And somebody can take advantage of that and claim that the film has come before our film. You need to mention Vimeo. Yeah. ये जो कॉपीराइट वायलेशन होता है, मैंने एक पिक्चर बनाया, फर्ज कर लीजिए कि 20 लाख में एक फिल्म बनाया. यू नो आई एम अ रिपीटेड फिल्म मेकर. आई एम गिविंग एग्जांपल. आई एम अ रिपीटेड फिल्म मेकर. आई मेड अ फिल्म. देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज अ लॉट ऑफ स्वेट व्हिच हैज गॉन इन मेकिंग दिस फिल्म. आप वो सेम पिक्चर को आप 4 घंटे में शूट कीजिए हैंडीकैम पे और आप अपलोड कर दीजिए, 4 साल पहले दिखाइए और बताइए कि मैंने आपकी पिक्चर कॉपी कर ली. तो ये कैसे होता है, कैसे हुआ है और किस तरीके से हम इस चीज़ का शिकार बने हैं, वही चीज़ हम आपके सामने लेके आ रहे हैं. और क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा इशू होने वाला है कैमरास को लेके, आई वुड सजेस्ट दैट इफ समबडी कैन जस्ट रिकॉर्ड दैट एंटायर डेमोंस्ट्रेशन एंड देन सर्कुलेट इट अमंगस्ट अदर्स आल्सो. जी पूछिए आप लोग क्वेश्चंस क्या पूछिए अभी. आपके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, पूछिए क्वेश्चन क्या है आप लोगों के. सिरिश पहले जब आपने पहला रिएक्शन जब आपका था, जब अनिल ने इल्जाम लगाया था, वो आपने जब रिएक्शन दिया था आपने ये कहा था कि आपकी स्क्रिप्ट बहुत लोगों के हाथ में थी, वो शायद आपकी स्क्रिप्ट ही लोगों की उस पुन तक पहुंची होगी, उन्होंने कॉपी किया होगा. फर्स्ट रिएक्शन आपका ये था, तो क्या यू स्टैंड बाय दैट कि ऐसे कुछ हुआ होगा? ऐसी रीजन आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग इज स्टिल दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन डन. रीजन ये सामने वाले के पास सेम टू सेम कैसे जा सकता है जो चीज मैंने कंसेप्चुलाइज किया है. तो ये एक आम आदमी का रिएक्शन जैसे होता है कि मैंने एक चीज कंसेप्चुलाइज किया है, मैंने मेरे दिमाग में सोचा है, मैंने इसको मेरे दिमाग में डाला है और मेरे 2-3 दोस्तों से खाली डिस्कस किया है, ये बाहर मार्केट में कैसे जा सकता है? तो ये एक फर्स्ट रिएक्शन होता है किसी का भी, आपका भी होगा, मेरा भी होगा, हर आदमी का होता है. तो सेम रिएक्शन सिरिश का भी सेम रिएक्शन था कि ये चीज जो मैंने कंसेप्चुलाइज किया है, जो मेरे दिमाग में है और मुझे विजुलाइज करके मैं इसको कैसे डायरेक्ट करने वाला हूँ फिल्म को, यू नो वो बाहर कैसे जा सकता है. तो वो जो आप लोगों को दिखा बाहर वो था, पर अभी जो आपको दिख रहा है हकीकत विद प्रूफ वो दिखा दे, वो आपके लिए फैक्ट, आपको प्रूफ जो दिखा रहे हैं कि कैसे हुआ है और कैसे होता है. अभी आपको एक चीज बताऊं, हमने नोटिस भेजा, ओके उनको नोटिस मिला, हमने उनको 3 दिन का टाइम दिया. लॉ के हिसाब से, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई भी है, लॉ के हिसाब से अगर मैं आप पे इल्जाम लगाता हूँ तो प्रूफ किसको करना पड़ता है? मुझे, आपको नहीं. इसको बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ. अगर मैं आप पे किसी भी चीज का इल्जाम लगाऊं तो प्रूफ मुझे करना पड़ता है. अभी इस केस में इल्जाम किसने लगाया है? उन्होंने ये बोला है कि हमने उनका चीज कॉपी किया है और ये उनकी चीज है.
तो उनको प्रूव करना चाहिए, उन्होंने प्रूव नहीं किया, उन्होंने प्रूव नहीं किया, उन्होंने ये बोला कि मैंने इसको प्राइवेटली सर्कुलेट किया था एक वेबसाइट पे, तो उसी वेबसाइट को मैं आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूँ, उसी चीज को आपके सामने मैं एक्सपोज कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर करेक्ट। आप एक बार देखोगे कि ये वेबसाइट पे डेट कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, वही जो हम आपको बात समझाना चाहते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ उनकी मई में रिलीज हुई थी कैसे उन्होंने डेट मैनिपुलेशन वीमियो में करके पहले किसमें डाल के दे मेड अस या दे अपलोड कर दिया क्या एक्विजिशंस। ये चीज YouTube पे नहीं होता है, ये YouTube पे नहीं कर सकते, अगर सही होता तो YouTube पे डाल देते। तो श्रीश, ये YouTube से क्यों हटी है अपनी फिल्म, कारण क्या है उसका और कब वापस आएगी और कितने व्यूज के साथ? देखिए मैं आपको बताता हूं, YouTube पे क्या होता है कि अगर किसी ने भी ऑब्जेक्शन लिया YouTube पे, इफ समबडी टेक्स ऑब्जेक्शंस कॉपीराइट का, अगर वो कुछ इल्जाम लगा दे कि कॉपीराइट वायलेशन है, तो YouTube डज नॉट प्ले जज। वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो जो भी फिल्म जो अपलोड की हुई उसको निकाल देते हैं, वो निकाल देते हैं और वो बोलते हैं कि भाई आइए आप लोग अपने मसले जो मसाइल हैं इसको आप अपने सॉल्व कीजिए, उसके बाद हमारे पास आइए, दे डोंट प्ले जज। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, बिकॉज देखिए हम हमारा शातिर दिमाग नहीं है, हम ऑनेस्ट फिल्म मेकर हैं, हमने अपनी पिक्चर बनाई, हमको 6 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 30 लाख लोगों ने देखी, इसका मतलब एक ही चीज होता है कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है, लोगों ने अप्रिशिएट किए। अब सामने अचानक एक क्लेम आ जाता है और YouTube पे जाके पहले से सब प्रीएम्प्ट किया हुआ चीज़ है लग रही है कि कंप्लेन जाता है और हमारी पिक्चर निकल जाती है और पब्लिक में हंगामा आ जाता है, और हंगामा करने वाला कौन है, नॉट सम रिनाउंड फिल्म मेकर, नॉट समबडी हु इज वेरी वेल नोन, नॉट समबडी हु इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑल्सो, सो समबडी हु इज इंटरनेट सैवी। ये चीज कौन खेलता है ये सब गेम्स, जिसको इंटरनेट ज्यादा समझ में आता है, हम फिल्म मेकर है, हमको इंटरनेट सैवी पीपल नहीं है, तो ये चीज हम भी हो गए हैं क्योंकि ये ठोकर लगी है, तो हमने भी ये चीज सीख लिया है, और ये चीज सीख लिया है इसीलिए हम सबको सिखाना भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो पिक्चरें बना रहे हैं, जो शॉर्ट फिल्म्स को रिलीज कर रहे हैं इंटरनेट पे, उनकी भी आंखें खुले और वो भी ये सोचे और समझे कि भाई इस तरीके के हादसा उनके साथ भी हो सकता है, इवन दे कैन बी विक्टिम ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम टुमारो। तो इस वजह से हमने ये जो एक्सपोजर है आपके सामने लाए हैं और वो हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाएंगे। मनोज सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस फिल्म को इतनी तारीफ मिली, क्रिटिकल एक्लेम भी मिल रहा है काफी, वो फिल्म कंट्रोवर्सी में फंस गई, आपका रिएक्शन क्या है इस पर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे इतने साल के करियर में कभी मेरे किसी फिल्म पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा, मेरे छोटे से छोटे बड़े से बड़े काम पे, कि वो किसी की नकल है। और इतना अनफॉर्चुनेट रहा है क्योंकि इस फिल्म के को करने का जो पूरा आइडिया था, अगर शीरीष भी मुझे आपको बताएंगे कि पूरा आइडिया शीरीष को मैंने कहा था कि शीरीष हम लोग करते हैं, क्योंकि फराह खान की यहाँ लंच का पार्टी थी लास्ट ईयर जुलाई में ईद की पार्टी में हम लोग लंच कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे इंडस्ट्री के, और मैं और शीरीष बात कर रहे थे उस समय, तब मैंने इनको movies.com के बारे में बताया था और कि कैसे हम लोग सोच रहे हैं शॉर्ट फिल्में करने के लिए। उस दौरान में मैंने इनको कहा कि आप भी कुछ करना चाहोगे इसके लिए, तो उन्होंने कहा कि यार बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन मेरे पास में जो है वो कम उम्र के कैरेक्टर के लिए है, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि यार कब, अभी मेरे दिमाग में कुछ अभी आ नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि यार मुझे पढ़ा दो, तो उन्होंने कहा एक मिनट, मैं उसको एक तुम्हारे एज में कन्वर्ट करके फिर मैं तुमको करके मैं देता हूँ। तो कोई भी आदमी, मतलब हम लोगों की बातें इस तरह से चल रही थी, वो शॉर्ट फिल्म बनाने वाले भी नहीं थे, वो फुल लेंथ फीचर फिल्म डायरेक्टर है। शॉर्ट फिल्म वगैरह जैसी चीज़ें, जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें, निश चीज़ें हैं, उसके लिए मेरे जैसे लोग जाने जाते हैं, शीरीष उसके लिए नहीं जाने जाते हैं, शीरीष अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, फुल लेंथ फीचर फिल्म के लिए। दिस वॉज एन आइडिया विच आई हैव डिस्कस्ड विद हिम। तो मेरे लिए ये हर्टफुल इसलिए हुआ क्योंकि चीज़ें तो मेरी तरफ से शुरू हुई, मैंने सब कुछ अपने सामने होते हुए देखा है, और अचानक कोई आके कह रहा है कि आप चोर हैं। यहाँ तक ही नहीं, ट्विटर पे मुझे अनाप शनाप बोला गया, ट्विटर पे हम सबको अनाप शनाप बोला गया, फेसबुक पे कोई भी आकर के कुछ भी गाली दे रहा है आपको, और हमारे उस काम के लिए जिसको इतनी बड़ी सफलता मिल रही है, हमारे उस काम के लिए जिसकी व्यूअरशिप लगातार बढ़ती जा रही है, कोई ऐसा व्यक्ति आके बोलता है जिसका 1,500 भी नहीं हुआ है मई से लेकर के व्यूअरशिप, हमारी एक दिन में 1,000,000 हुई थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके पीछे कितनी हमारी मेहनत गई,
उसकी स्क्रिप्टिंग में जो कि मेरे सामने हुई है, उसके प्रिपरेशन में, उसके पोस्ट प्रोडक्शन में हमने इतना सारा समय दिया है, उसको फीचर फिल्म से कम की तरह से शीर्ष ने उसको नहीं ट्रीट किया था। इतना सब करने के बाद हम आते हैं, उसके बाद अचानक से ट्विटर पे देखा कि एक कंट्री वर्सेस दूसरी कंट्री का बैटल शुरू हो गया और उसमें कई तरीके के इल्ज़ाम दूसरी तरफ बॉर्डर के दूसरी तरफ से हमारे ऊपर आने लगे, शीरीष की तरफ आने लगे। आई वॉज फीलिंग बैड फॉर शीरीष कि फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज ही वॉज बींग विक्टिमाइज बाय समबडी अटरली एम्बिशियस क्रुक। एंड हाउ इज अ क्रुक यू नो वंस यू सी द डेमो। सो और हम और हमारे बहुत ही मतलब जो मीडिया हैज़ बीन वेरी वेरी सपोर्टिव, मेरे अपने पूरे करियर में मीडिया बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन यहाँ भी कहूँगा कि थोड़े से आप लोग बट गए जब पूरा मसला आया था, क्योंकि हेडलाइन आपने डाल दी यूट्यूब से कृति को हटा दिया है ना, लेकिन आपने फैक्ट फैक्ट जानने की कोशिश नहीं की और वो फैक्ट वही आदमी दे रहा है, वो आदमी सामने से आपको फैक्ट दे रहा है। देयर वाज नो दिस ही सो बिकॉज दिस गाय ही इज उनका उनका आप बायो जाके पढ़िए, वो मैरिज वीडियो बनाते हैं और हम लोग प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स गला फाड़ फाड़ के सच समझा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, कोई हमारी बात सुन रहा है, मैरिज वीडियो जो बनाते हैं उसकी बात सुन रहे हैं सब लोग, उसको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। उसने एक एक गरीब का कार्ड खेला, गरीब होने का कार्ड खेला उसने, और हम सब लोग जो है बहुत सारे हमारे लोग ही उसको उसकी तरफ हो गए, हमारे देश के लोग भी बहुत सारे लोग उनकी तरफ हो गए, हमारे जो मीडिया हमको सपोर्ट करता रहा है वो उसमें से बहुत सारे लोग उसके उसके पास चले। तो मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि क्या इतने साल जो मेहनत की है, जो जो क्रेडिबिलिटी बनाई है, क्या उसका कोई मोल नहीं है। नोबडी इज आस्किंग मी कि मनोज जी क्या ये नकल है। अरे भाई हमारी चर्चा आपके सामने सारा डिस्कस कर दिया हमने, तो आपको वेबसाइट का पूरा स्कैम सामने कर दिया, अब मुझे बताने के लिए क्या, बताने के लिए आपके पास आए, सारा स्कैम सामने है आपके। कि कोई भी आदमी कुछ भी बना के आज की तारीख में वो ये कह सकता है उस वेबसाइट पे डाल के कि उसने दो साल पहले बनाया था। तो और आज हम कहाँ पहुँचे हैं, आज हम इस वहाँ पहुँचे हैं, हमारी फिल्म ऑलरेडी movies.com पे है लेकिन हमारी मूवीज़ यूट्यूब पे नहीं है। आज हम 60 लाख रुपये होते या 70 लाख होते लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाह रहे थे, हमने अपने घर में देखने के लिए तो फिल्म बनाई नहीं थी, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाह रहे थे, वहाँ से हम वंचित हो गए। हमने मोनेटाइज नहीं किया, आपको पता नहीं है कि हम ये शॉर्ट फिल्म बनाई, हमने जो भी पैसा लगा movies.com का एक पैसा नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए सब्सक्रिप्शन फी था यूट्यूब पे, नहीं था। movies.com पे सब्सक्रिप्शन फी है, वहाँ पे भी आप फ्री देख सकते हैं, तो हमारा तो नुकसान ही नुकसान हुआ। एक दो घर से बनाए, हम चले थे हम लोग अपनी अपना काम करने के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए, कोई नई चीज़ लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को फ्री में दिखाने के लिए अपना पैसा लगा करके उल्टा जा करके हम गाली खा करके वापस घर को आ गए। अभी ये सुन के ना मुझे कुछ बोलने को भी डर लगता है कि क्या मैं कुछ नहीं करता हूँ तो भी कंट्रोवर्सी हो जाता है इसलिए मुझे बोलने डर लगता है, पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी हो जाएगा। अब देखो जुलाई में ईद की पार्टी में हमारा ये आइडिया स्टूडियो का आइडिया की बात हुई, उसके बाद देर आर बिजी एक्टर्स लाइक मनोज एंड राधिका वगैरह वगैरह एंड देन वी हैव टॉप ऑफ द लाइन टेक्नीशियंस, फीचर फिल्म टेक्नीशियंस इन द फिल्म। हमने सबसे बात करके डेटें लेने शुरू कर दी, डेट्स वेट्स लेके फरवरी में शूट को प्लान किया, जून पे रिलीज, जून की रिलीज भी 3 महीने पहले से प्लान हुई कि कौन गेस्ट ऑफ ऑनर होगा, उनके डेट्स, वेन्यू क्या, इतना सब प्लान करके हमारी फिल्म जो जुलाई से शुरू हुई जून नेक्स्ट ईयर जाकर रिलीज हुई, क्योंकि हमने फिल्म की तरह प्लान किया था उसको। इस दौरान बीच में कोई शादी का वीडियो बनाने वाला हैंडीकैम लेके कुछ ऐसे कुछ घंटों में शूट करके इस वीमियो की जो एक फ्लॉ है सिस्टम में उसमें पुराने डेट डाल के हम पे इल्ज़ाम लगाता है और फिर सब अच्छा पब्लिक नहीं मानती ये बात, क्योंकि YouTube में तो हमारा कंटिन्यूसली अच्छा एक से पहले सुन लीजिए LCD,
कैमरे में ब्लैक हो रहा है ना जी जी ठीक है ओके तो कोई शादी का वीडियो शूट करने वाला बीच में कुछ हैंडी कैम लेके कुछ घंटों में शूट करके ये जो आपको टेक्निक बताया जा रहा है उसको यूज़ करके उसका जो सिस्टम में फ्लॉ है वो यूज़ करके पुराने डेट डाल के और कोई डालता है और बोलता है कि इन्होंने मेरी चुराई है और सब टूट पड़ते हैं। अच्छा पब्लिक ये बात नहीं मान रही क्योंकि यूट्यूब में हमारे कॉन्स्टेंटली व्यूज़ बढ़ रहे हैं 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन रेस्पॉन्सेज बहुत अच्छे हैं। सिर्फ 3 लोग हमको अटैक कर रहे हैं इसमें, वो 3 बता दूँ कौन है। एक है बहुत सारे नेपाल के सिटीजन्स, ठीक है ये मुझे समझ में आता आ जाता है उनका लॉजिक क्या है कि वो देशभक्ति है उनका, उनको लगता है हमारे आदमी के साथ हुआ। अब उन बेचारों को क्या पता कि फ्रॉड ने क्या किया, दे हैव बीन मिसगाइडेड कंप्लीटली। अब वो देशभक्ति में कर रहा है, आई अंडरस्टैंड व्हाई दे डू इट एंड दे आर राइट अगर सपोर्ट करते हैं तो, क्योंकि उनको पता नहीं है, अभी सच पता चलेगा तो। दूसरा सोशल मीडिया पर जो ट्रोल्स होते हैं वो लोग भी मुझे समझ में आता है क्यों करते हैं, उनका तो काम ही ट्रोल करना है, चाहे किसी की लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाए ट्रोल करे। तीसरा मुझे आज तक समझ में नहीं आया, इसका जवाब आप ही दे दो, मीडिया खास करके हमारी। जब शुरू में ये मीडिया जब हमको बोला कॉपी, मुझे लगा शायद उनको टेक्निकलिटी समझ में नहीं आ रहा है वीमियो का, कि ये पुराना डेट जो प्राइवेट है, हाँ शायद उनको समझ में नहीं आ रहा कि जो चीज़ पब्लिक में ही जब मई में आई उससे पहले थी नहीं, वो हम कैसे देख सकते थे। तो मैंने कुछ, मुझे मीडिया से बहुत डर लगता है, फिर भी मैं सोचा कि कुछ मेन लोग को मैं समझा दूँ कि हुआ क्या। तो उन्हें बात करके उनको समझाया ये बात कि भाई मई से पहले ये तो प्राइवेट था, उससे पहले किसी ने नहीं देखा ये चीज़, पब्लिक में मई आई तो मैं कैसे देख सकता हूँ ये चीज़। उसके बावजूद कोई नहीं मान रहा ये बात, फिर भी नेगेटिव किए जा रहे हैं भाई इसका। मेरे को अच्छा मुझे ये समझ में आता है कि कभी कभी क्या होता है कि मेरे को मज़ा आता है कि कोई कामयाब आदमी हो तो उसको गिराओ, सला मैं तो कामयाब भी नहीं हुआ यार, मैं नीचे हूँ और कितना गिरा हुए। तो सला दो आई एम कम्प्लीटली, सो दैट इज़ वाई दिस एक्सपोज इट टू शो टू ऑल ऑफ यू, होपिंग दैट विद द सेम एंथुजियाज्म दैट यू दैट यू सपोर्ट अस इन दिस। या बिकॉज अभी क्या है कि हम सब जगह पे सोशल मीडिया इधर उधर जो है सब ने कह दिया कीर्ति इज बीन रिमूव्ड, कीर्ति को अब ने चुराया। अब आप प्लीज़ लिखिए कि भैया कि हमें आगे जो है हमें वो इज्जत वापस चाहिए, क्योंकि कीर्ति ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जो कि आई और लोगों ने उसकी बुराई की। कीर्ति एक ऐसी फिल्म थी जो 15 मिनट 18 मिनट का होते हुए भी लोगों को एक फीचर फिल्म का पूरा मज़ा दे करके और अचानक से उसको बंद हो गई किसी साजिश के तहत। तो मैं चाहता हूं कि मीडिया हमको इसमें सपोर्ट करे और वापस से हमारी जो इज्जत जो चली गई थी वो वापस हमको ला के दे इसी में। और वो आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। आपके सामने हम अपनी पोजीशन और भी क्लियर करने आए हैं, हम तो लगातार किए जा रहे हैं जबकि हमको ज़रूरत नहीं थी, जबकि हमारे ऑडियंस ने इतना सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करने वाले थे। तो हम कंप्लीटली विक्टिमाइज्ड हुए हैं इस पूरे चीज में। हमारा कोई विक्टिम नहीं है मैं आपको सही बता दूं, हमने किसी को विक्टिमाइज नहीं किया है। हमने अपनी फिल्म बनाई थी, एक आदमी जिसको कोई काम नहीं था उठ करके उसने एक इल्ज़ाम लगा दिया और सबने हाथों हाथ ले लिया बिना ये जाने हुए कि इसमें तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है। सामने सामने फैक्ट था, किसी ने उस पर भरोसा, सबने उसको दरकिनार कर दिया। भरोसा की बात तो छोड़ ही दीजिए। सोशल मीडिया पे देखिए, ट्विटर पे अगर कोई गाली दे आप तो बिना चेहरे वाले आदमी को आप वापस गाली देंगे, उसको सफाई देंगे? मेरे ख्याल से ये वाजिब नहीं है। आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो बात तो उनसे की जाती है ना, जो सामने सामने बात करे, सामने सामने जवाब ले। अब ट्विटर पे फेसलेस अंडा लगा हुआ है सबके, मैं उसके साथ में क्या बातचीत करूंगा? अगला कदम क्या होगा इस पे? मैं कुछ बताना चाहूंगा। सोशल मीडिया इज अ बिचिंग सॉर्ट ऑफ मीडिया। नहीं नहीं, आप ऐसे ही डजंट से समथिंग लाइक दैट। मैं आपको इस पे कुछ बताना चाहूंगा। सी फिलहाल जो हो रहा है, दिस इज ट्रायल बाय मीडिया। ये आपके सामने जो केस है, दिस केस राइट नाउ दैट वी डिस्कसिंग इज अ ट्रायल बाय मीडिया। कोई कोर्ट में कहीं नहीं गए, इल्ज़ाम उन्होंने लगाया वो कोर्ट में नहीं गए, हमने नोटिस भेजा उन्होंने जवाब नहीं दिया। अभी क्योंकि ये आपके सामने है, ये पब्लिक के सामने है, पब्लिक डोमेन में है, तो हम अपनी सफाई भी पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं, इसीलिए क्योंकि मैटर सब जुडिस नहीं है। अभी इसमें मैं खाली इतना बोलना चाहूँगा आपको कि जो भी चीज़ हुई है और जो हकीकत है और जो हम आपको फैक्ट के साथ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये होता है और ये आगे नहीं हो किसी और के साथ में,
जैसे इस तरीके मेरे क्लाइंट्स इमोशनली हर्ट हुए जो आपको दिख रहे हो जो बात कर रहे हैं, और कोई हर्ट नहीं हो, किसी और का काम कोई चुरा नहीं ले, इस वजह से हम चाहते हैं कि आप इसको एक्सपोजर को बाहर लेके आइए, सर्कुलेट कीजिए, लोगों को बताइए कि इस तरीके की बदमाशियां होती इंटरनेट स्पेस पे, क्योंकि इंटरनेट स्पेस जो है ये एक नया इन्वेंशन है, लोग अभी इस पे इतने वाकिफ नहीं है, खास के मूवी मेकर्स, बिकॉज मूवी मेकर्स दे आर नॉट इंटरनेट सेवी, वो मूवी बनाते हैं, वो डायरेक्टर्स हैं, वो प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर नॉट सिटिंग ऑन, दे आर नॉट हैकर्स, दे आर नॉट ऑन इंटरनेट प्लेटफॉर्म, और ट्विटर भी करते हैं तो ट्विटर में भी आप जो बता रहे हैं जितने भी फिल्म स्टार्स होते हैं, अभी ट्विटर के ऊपर एक और केस आपको दिखने वाला है उसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट ट्विटर जो एक चीज है, सेलिब्रिटीज जो होते हैं दे ओनली ट्राई टू इंटरेक्ट विद फैंस, दे डू नॉट गेट इन टू ट्विटर कॉन्ट्रोवर्सी, तो जो आप बात कर रही हैं ट्विटर की वो आप कॉन्ट्रोवर्सी की बात कर रही हैं, सेलिब्रिटीज कॉन्ट्रोवर्सी से बाहर रहना चाहते हैं और ट्विटर के लोग उनको कंट्रोवर्सी में घुसाना चाहते हैं, एक्सप्लेन करके सारी बातें डेमोंस्ट्रेट करना, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू वांट टू रेज, एनी फॉर दैट फेलो हु डिड दिस, सी आई टेल यू व्हाट, वी डोंट नो हु दैट गाय इज, वी डोंट इवन नो हिम, ही डजंट हैव अ फेस, ही इज नॉट हियर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस, वी आर ओनली आंसरेबल टू द वर्ल्ड, ओके, बिकॉज़ द वर्ल्ड हैज यू नो पॉइंटेड फिंगर्स एट अस, एट आवर यू नो ऑन माय क्लाइंट्स, वी आर ओनली ट्राइंग टू क्लेरिफाई आवर पोजीशन, और किस तरीके से बदमाशी होती है वो हम आपके सामने साबित कर रहे हैं, हम उनको जानते नहीं, हम उनको पहचानते नहीं है, हम क्यों अपनी सफाई किसी और को दें, जो आदमी इल्ज़ाम लगा के नोटिस का जवाब भी नहीं देते हैं, जो अपना खुद का केस प्रूफ नहीं करते हैं, और जो वो जो वेबसाइट पे बोलते हैं अपलोड किया, वो वेबसाइट भी कैसे जाली की जाती है, उसमें किस तरीके का फॉर्जरी और फैब्रिकेशन होता है वो हम आपके सामने प्रूव कर रहे हैं, तो हमको कोई सफाई किसी आदमी के सामने देने की जरूरत नहीं है, हम अपनी सफाई आपके सामने दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इसको एक्सपोजर को बाहर लाइए और दिखाइए। See, I'll tell you what. This is not a typical case to be taken to the court. It is not my case. It is his case. We are defending. As you must have seen, we are defending our position. We are not attacking. We are only defending our position and we are only clarifying our position. उन्होंने case नहीं किया, उनको case करें दी ना, तो हम defend करेंगे. Case उनका है, हमारा थोड़ी है. जुरिडिक्शन भी अलग है। जितनी बार आप YouTube पे डालेंगे, फिर वो कहेंगे, फिर वो हटेगा content, तो उसका ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, YouTube की बात करूँ अगर, तो YouTube के सामने हमने अपने explanation दे दिया है। अब YouTube उसको जैसे सही समझे, वो अपने हिसाब से वो decision लेंगे। हम YouTube के डिसीजन के मोहताज नहीं हैं, पर हम चाहते हैं कि YouTube इसको सही तरीके से समझे और समझ के इसको आगे बढ़ाए। अगर वो कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हम चाहते हैं कि हमारा काम जो अच्छा काम है, हम किसी की मोहताजी में बैठ नहीं जाएं। तो इसी वजह से हम अपना जो काम है वो हम शुरू रखें, हम ओपनली दिखा रहे हैं सब जगह। अगर उनका केस सही है तो जाए वो कोई कोर्ट से इंजंक्शन लेके आए, जो हो नहीं सकता है, क्योंकि हम जो एक्सपोजर अभी कर रहे हैं उसके सामने कोई कोर्ट उनको खड़ा नहीं करेगा। इस वजह से हम एक्सपोज़ कर रहे हैं कि कोई कोर्ट में गई भी वो तो कोई कोर्ट नहीं खड़ा करेगा। लेकिन आपके बात आप हमेशा सेलिब्रिटी का केस लेते हैं, बहुत बार सेटलमेंट हो जाता है, बट आप ऐसे क्यों करते हैं जो सेलिब्रिटी के केस हैंडल करते हैं, अभी पहले कंगना का, अभी ये सेलिब्रिटी के हैंडल करते हैं। अभी इत्तेफाक की बात यह कि हर दफा मैं आप ही को मिलता हूँ, हर दफा इसका जवाब क्या हो सकता है। अभी हम लोग मिलते हैं, हर दफा यही क्वेश्चन पूछते हैं। यार, we are ready to, demonstrate. एक डेमोंस्ट्रेशन हो जाए, देख लीजिए पहले, और जितना और सवाल है उसके बाद पूछिए, यू विल नो व्हाट टू आस्क। एक बार नहीं, हाँ, एक बार देख या सो यू नो व्हाट टू आस्क आफ्टर दैट, टू आस्क। और हमारी फिल्म तब तैयार हुई थी, हमने पब्लिक के सामने, आप लोगों के सामने बाय जिम को प्रेजेंट किया था, बट हमने खुद ही अब इस वीडियो को बैक डेटेड करके ये दिखाया है कि ये 1 ईयर बैक आई है रिलीज। सो होता क्या है कि हमारे पास हमारे चैनल पे एक पुराना वीडियो था जो 1 साल पहले हमने अपलोड किया था। हमने सिर्फ इतना ही करना था कि हम उस वीडियो को हटा के इस वीडियो को वहाँ डाल दें, उससे हमारा वो डेट नहीं बदलता। हेलो कोई नहीं, आप बोलिए। सो बस इतनी सी छोटी सी चीज़ करनी होती है कि जो पुराना वीडियो था जो 1 साल पहले हमने लोड किया था उसको रिप्लेस कर देते हैं हम किसी वीडियो से, जो आज की वीडियो एक्चुअली, और फिर लोगों को ये लगता है कि ये वीडियो एक्चुअली 1 साल पहले रिलीज हुई थी। तो कुछ डाउट्स है इस पे तो आप पूछ सकते हैं। पर ये आप कह रहे हो ना, अब वो इसका क्या जवाब देते हैं?
वो जवाब तो कुछ दे ही नहीं रहे, तो जवाब ही नहीं दे रहे हो, तब पता चलेगा। तो आई अच्छा सर, ये वीडियो आईपीओ पे रिलीज हुई पहले, लेकिन YouTube का इससे लेना ना क्या, क्योंकि YouTube पे तो वो फिल्म रिलीज की हुई थी इससे पहले। YouTube पे हुए थे, इससे पहले नहीं हुए थे। हमने YouTube का जो फर्स्ट सिस्टम है वो ये होता है कि कोई भी किसी भी चीज़ पे कॉपीराइट क्लेम कर देना, तो उसको वहाँ पे कोई इंसान नहीं है, इट्स अ ऑटोमेटेड सिस्टम, इट्स अ कंप्यूटराइज सिस्टम, वो इसको इमीडिएटली डाउन कर देता है और 10 दिन का टाइम देता है सामने वाले को कि साबित करो, चाहे वो फिल्म YouTube पे रिलीज हो या ना हो, कुछ भी आप क्लिक कर दो, बोलो कॉपीराइट क्लेम, 10 दिन के लिए डाउन हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, व्हाट इज इट कॉल्ड, डीसी ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। बड़े बड़े वीडियोस दुनिया में ऐसे निकाल देते हैं बोगस में, ये ब्लैकमेल करने के लिए होता है, किसी का वीडियो निकाल दिया सामने वाला मजबूर हो जाता है, फिर वो ब्लैकमेल करते हैं। ये एक कॉमन, एक इट्स अ फ्लॉ, इट्स अ ऑटोमेटेड सिस्टम। ओके चलो, ये बंद कर दिया होगा ना, हाँ, जिसको अगर ये नहीं करना है वो YouTube में डालेगा। ये सिस्टम ही वीमियो में इसलिए डालता है क्योंकि इस तरह का फ्रॉड हो सकता है। आपका कोई पुराना वीडियो है, किसी का आने वाला है, आपको ये डेट मैनिपुलेशन करके इसमें डाल दिया और लोगों को बोला मेरा चोरी कर दिया, ये इसमें डालता है, और वो भी प्राइवेट में छुपा के रखते हैं, क्योंकि अगर पहले किसी ने देखा है क्या, अगर देखा है तो पब्लिक करोगे, कोई गवाह होगा, कोई सबूत होगा। प्राइवेट में तो इसलिए करते हैं क्योंकि वो फिर बोल सकते शायद किसी ने देखा ही नहीं था, अगर YouTube में रिलीज पहले क्यों नहीं किया। सो दिस इज द फ्रॉड दैट पीपल कैन डू। हमारे साथ हुआ, हमारा जो नुकसान हुआ, द इंटेंशन इज आगे दूसरे फिल्म मेकर के साथ कोई भी कहीं से भी फ्रॉड करके ऐसे उनका नुकसान नहीं करे जो हमारा फिल्म के साथ नुकसान हुआ। अच्छा, आपके साथ ऐसे क्यों होता है, सिर्फ मूवी के साथ? मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए जो वर्चुअल स्पेस होता है, सर ऐसे को जो वर्चुअल स्पेस होता है, वर्चुअल स्पेस में दो टाइप के प्लेटफॉर्म होते हैं, एक होता है पब्लिक प्लेटफॉर्म, एक होता है प्राइवेट प्लेटफॉर्म। पब्लिक प्लेटफॉर्म जो है वो यूट्यूब है। YouTube में क्या होता है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप डालते हैं, लोग देखते हैं, उस पर डेट टाइम फुटप्रिंट पूरा आ जाता है कब कैसे डाला आपने। प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे किसी को पता ही नहीं, हालांकि वो भी इंटरनेट पे है, प्राइवेट प्लेटफॉर्म भी इंटरनेट पे, पर किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये जो आपके सामने हम बात कर रहे हैं, ये प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे किस तरीके का खेल खेला गया और उसको उन्होंने अपना एक प्रूफ बना के कैसे उसके ऊपर उन्होंने अपना गेम खेला कि हमारी पिक्चर को नीचे ला के अपने आप को फेमस करने की कोशिश की, वो आपके सामने थमाया और उसी को मीडिया ने कुछ अलग एंगल दे दिया, जिसकी वजह से हम लोगों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉजिटिवली क्या हो गया इसमें कि इसमें हम लोग एक एक्सपोजे और एक चीज जो किस तरीके की बदमाशियां होती है वो हम सामने लेके आने का एक मौका मिल गया हम लोगों को। तो आप इसको ध्यान दीजिए और इसको इस तरीके से आप सर्कुलेट कीजिए। लेट अस बिकम द फर्स्ट पीपल, द फर्स्ट यू नो इंडिविजुअल्स हु हैव ब्रॉट दिस पर्टिकुलर थिंग टू द लाइट ऑफ जनरल पब्लिक टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द फिल्म मेकर्स, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, तो आप प्लीज इसको उस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाएंगे। आपने कहा कि तीन दिनों में इतने लोग, क्या फ्यूचर में आपका और शॉर्ट मूवी होना हम देखेंगे? मैं तो बहुत बनाऊंगा। क्यों ऐसे एक ऐसे कोई फ्रॉड कहीं से बैठ के कुछ करेगा, हम पिक्चर बनाना बंद कर देंगे? ये तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे साथ जो नुकसान हो वो दूसरों के साथ नहीं हो, नहीं तो हम चुप बैठेंगे तो दूसरों का भी साथ भी ऐसी हो जाएगा। ऑफ कोर्स करेंगे कि बहुत करेंगे। आपने कहा कि आपने वीडियो को मॉनेटाइज भी नहीं किया, मैं आपसे जानना चाहूंगा आने वाले समय में जब आप फिल्म बनाएंगे तो आप YouTube पर कितना डिपेंडेंट रहेंगे? आज भी डिपेंडेंट नहीं है, मैं आपको सच में बताऊं, लेकिन क्योंकि हमारा पोर्टल अभी नया है, movies.com नया है, तो उसके साथ साथ हम YouTube पे भी डाल रहे थे ताकि ये और भी वाइडर स्केल पे बढ़े। और नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हम एज ए पोर्टल डिसाइड करेंगे कि हम किसी और डोमेन पे डालना चाहते हैं कि नहीं डालना चाहते, या सिर्फ movies.com पे ही शोकेस करना चाहते हैं। जिस दिन movies.com उस हिसाब से इंडिपेंडेंट पोर्टल हो जाएगा, उस दिन हमको फिर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और डोमेन पर। तो इसके बारे में भी पोस्टर्स के बारे में भी, वो तो सर सामने वो तो क्लियर कर दिया था शिरीष ने ट्विटर पे, ऐसे तो 500 नॉवेल्स, अच्छा किताबें, करेक्ट। और वो जो टेक्निक है ना कि अपने हाथ रख दिया तो उसके पीछे दिखता है, इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट। वो पोस्टर की बात है, अगर मैंने किया है, मेरे से पहले इसी साल एक फिल्म आई थी बेनेडिक्ट कंबरबैच की, तो उसकी फिल्म में भी वही आर्ट है। उससे पहले जापानी फिल्म भी आई थी, लेकिन उससे पहले तरुण तेजपाल की बुक भी आई थी, उसमें भी वही था, कॉमिक्स में भी। तो क्या ये हॉलीवुड की फिल्मों ने, जापानी फिल्मों ने सब तरुण तेजपाल की बुक से कॉपी की?
ना आप लोग बताओ, इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट। हम लोग अगर सच्चे हैं तो वो कहीं भी चले जाए, कौन से भी कोर्ट में चले जाए, कुछ भी कर ले, हमको किसी चीज का कोई डर नहीं। हमने मूवी को बाकायदा कंटिन्यू रखा है, हम कहीं पीछे नहीं हटे हैं, हम सामने खड़े हैं, नोटिस भी हम भेज रहे हैं। इससे साबित हो जाता है आपके सामने सब कुछ कि सच्चा कौन है। देखिए डेफेमेशन जो चीज है, मेरे पास ये सब करने के लिए तो 50 उपाय है, 50 चीजें सिविल भी है। नोटिस का जवाब तो दें। पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे पहली चीज बताता हूं एज अ लॉयर, मैं नेपाल से किसको पकड़ के लाऊंगा? आप समझे? तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके सामने। मैं क्या करूं, अंधेरे में मारूं क्या गोली? तो वो यूजलेस चीजें नहीं करते हैं। इंटरनेशनल केसेस के लायक है नहीं ये केस, ये फजूल केस है मेरे हिसाब से, एकदम ही फजूल। ये तो इंटरनेशनल ये कोई केस नहीं है, इससे बड़े बड़े इंटरनेशनल केसेस है जिसमें लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके सामने किंगफिशर, अरे भाई उसको आना था आप लोगों के पेपर पे, चैनल पे डिस्कस होना था, उसका काम हो गया। आप लोग उसका नाम जान गए, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई? मनोज जी, जी ऐसी चीजों का समाधान क्या रहेगा? आपको लगता है हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्रालय वगैरह इस... नहीं नहीं उधर जाना ही नहीं है। आप सोल्यूशन है, सोल्यूशन आप है, मीडिया है। नहीं सुनिए मेरी बात, देखिए इंटरनेट जो है, इंटरनेट किसी भी व्यक्ति किसी भी मंत्रालय के बस का है, क्योंकि ये एवर मतलब ऑल द टाइम ग्रोइंग मीडियम है। तो उसके लिए आपको आपको जो है सतर्क रहना पड़ेगा, एज ए मीडिया आपको सतर्क रहना पड़ेगा, एज एन इंडस्ट्री हमको सतर्क रहना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई किसी के भी क्लेम में कितना डेप्थ है, कितना टेक्निकल फ्लॉ है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। क्योंकि इस तरह के टेक्निकल ग्लिचेस या फैक्ट, हाँ, तो ये नया नया तरीका लोग ढूंढते रहेंगे, ये खत्म नहीं होने वाला ऐसा करके। और ये तो अभी हमको पता चला, हमको भी नहीं पता था ये चीज। पर मनोज कुछ ना रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होने चाहिए, जैसे इन्होंने बताया था कि कुछ ट्विटर की वॉर भी चल रही है, जिसको ये केस कितने केस आ सकते हैं जैसे, तो वो केस भी तो कहीं ना कोई कोई नहीं, साइबर क्राइम का है डिपार्टमेंट, है साइबर क्राइम का। अगर कोई बहुत ही बड़ा गहन ऐसा कुछ अपराध है तो लोग साइबर क्राइम के पास जाते हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट बाकायदा बना हुआ है। लेकिन यहाँ से कुछ आप ऐसा चाहेंगे कि कुछ इस तरह के रेगुलेशंस एंड दीस थिंग्स स्टेप्स शुड बी टेकन इन द फ्यूचर? वो देखिए ये नहीं नहीं यूट्यूब जैसे लोगों को अपने आप को सही करना पड़ेगा, वो सरकार सरकार के बस की बात नहीं है, वो इज अ प्राइवेट मैटर्स। एक्चुअली इज अ प्राइवेट मैटर, इज अ प्राइवेट मैटर्स कि आप अपना काम अपलोड कर रहे हैं तो प्रिकॉशन आपको लेना है, सरकार क्या करेगी उसमें? सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप अपना काम आप अपलोड कर रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में जिसमें दुनिया देखने वाली है, श्रीलंका से लेके दुनिया के पता नहीं कौन से कोने में, अमेरिका यूनाइटेड यू नो यूरोप में कहीं पे भी, आप सरकार कुछ नहीं कर सकती उसमें ना। तो आप लोग ने क्यों नहीं लिया वो प्रिकॉशंस? क्या आप लोग ने प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए? नहीं कौन से प्रिकॉशंस? कौन से प्रिकॉशंस आप बोल रहे हैं? जो आप बोल रहे हो जी YouTube पे जब आप फिल्म डालते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू, आपने मॉनिटराइज भी नहीं। सुनिए मैं आपको बताता हूँ, हमने जो चीज करनी चाहिए थी, जो सही डेट पे जो चीज करनी चाहिए थी, जो डेट पे हमने शूट किया, हमने सब चीज सच सच डाल दिया। जिसको झूठ बोलना था, जिसको बदमाशी करना था, उसने किया बदमाशी, तो हमको प्रिकॉशन लेने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज हम तो कोई बदमाशी करने नहीं निकले थे ना। हम तो जो हकीकत था हमने वो किया, जो सच था वो सच अभी भी बरकरार रखे हैं, हम वही चीज आज भी बोल रहे हैं, हम कहाँ डिविएट नहीं कर रहे हैं, हम हमारे स्टेटमेंट से डिविएट नहीं कर रहे हैं, हम कोई सच से पीछे नहीं हट रहे हैं, हम अपने कोई केस को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। मैनिपुलेट किस तरह किया जाता है, बदमाशी किस तरीके से होती है, वो हम आपके सामने ला रहे हैं। शिरीष आप मीडिया से डरते क्यों हैं? सुमित आपसे डरते हैं वो। अभी ये जैसे ये एग्जांपल हुआ, जैसे कुछ मीडिया वालों ने मुझे फोन किया था ये बोलने के, और मैंने उनको समझाया कि पब्लिक क्या होता है, पब्लिक लिंक क्या होता है, प्राइवेट लिंक क्या होता है, मैं सर फोड़ फोड़ के समझाया इनको,
सर फिर भी अगर रूल नहीं लिखते तो यार मैं डरूंगा ना। नहीं अच्छा इन जनरल जब ऐसे बहुत लोग होते हैं ना मीडिया ने कोई भी हो मैं वैसे ही डरता हूँ क्योंकि मुझे पब्लिक में बैठने की वैसे, बट मीडिया का मुझे इस केस में वैसे जनरली ऐसा कुछ नहीं है, इस केस में ये था कि बोल रहे हैं समझा रहे हैं टेक्निकली कि प्राइवेट पब्लिक, लेकिन कोई सुन नहीं रहा क्योंकि उनकी जो मीडिया है ना वहाँ पे जो नेपाल में है या पब्लिक है उनके साथ है, हमारे भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं कोई हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा था यार, प्रॉब्लम क्या है यार, कुछ तो लाओ देशभक्ति। घटना तो अभी घटी है यार, अभी अब इससे ज्यादा क्या घटा, मतलब एनी पर्टिकुलर रीजन नॉट टू मोनेटाइज द वीडियो व्हाइल इट वाज ऑन यूट्यूब? ओके सर, नो इट्स जस्ट दैट वी थॉट इट शुड रीच मोर नंबर ऑफ पीपल विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ मोनेटाइजेशन। आप जब मोनेटाइज करते हैं तो देर इज अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच द वीडियो प्लेज, हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे ज्यादा से ज्यादा लोग देखे, कोई भी ऑब्स्टेकल उसके पहले नहीं आना चाहिए, जैसे शुरू में एड वेड आ जाएगा वो सब हो जाएगा, वो सब नहीं करना था, डायरेक्ट स्टार्ट हो जाए। येस आई मीन अ बिगर बेनिफिट वुड हैव बीन अगर हमारा वीडियो अभी लाइव होता और लोग आज 5 मिलियन 6 मिलियन लोग देख चुके होते। सी फर्स्ट डे वी हैड 1 मिलियन, विद इन 6 डेज वी हैव 3 मिलियन विच इज लाइक अ रिकॉर्ड इन शॉर्ट फिल्म्स। बहुत कम चीज़ें जैसे बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्मों की जो ट्रेलर्स होते हैं जैसे आते हैं उस तरह की वीडियो का होता है कि इस तरह के व्यूज होते हैं। ओके लास्ट क्वेश्चन, ओके लास्ट क्वेश्चन प्लीज, जैसे कि अभी आपने आप लोगों ने कहा कि आप एक साल पहले से स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, बट एक इंटरव्यू में ने आपकी वाइफ फरहान खान ने बोला कि 3 साल से इस स्क्रिप्ट के ऊपर चल रहे हो, 1 साल पहले लिखा हुआ था? नहीं नहीं आप मेरी बात ही समझे, मैंने आपको बोला था जुलाई में, मैं पिछले साल मैंने इनसे डिस्कस किया था कि शॉर्ट फिल्म बनाइए, इसका मतलब ये नहीं कि उस समय से लिखना शुरू किया, इन्होंने कहा मेरे पास में एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है फिल्म का आइडिया जो कि छोटी उम्र के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, इनके लिए मैं छोटी उम्र का नहीं लगता हूँ। नहीं वो 20 के एज के लिए लिखा था, इनसे बात करने के मैंने उनको 30 पे वो शिफ्ट कर दिया एज अ कैरेक्टर, लेकिन स्क्रिप्ट तो लिख के मेरे पास था। ठीक है, फिल्म मेकर्स के पास जो है ना स्क्रिप्ट्स कभी कभी 10-10, 20-20 साल पुरानी भी स्क्रिप्ट होती है, तो ये नहीं है कि जिस दिन पिक्चर बनी उसी के साल भर पहले स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसको खाली बाउंड स्क्रिप्ट करते हैं, तो मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ स्क्रिप्ट होती है उनके पास, खाली उसको बाउंड स्क्रिप्ट करके राइटर्स एसोसिएशन में उसको वो लोग रजिस्टर करते हैं, खाली फर्क वो होता है। कल परसों भी मिला था आपको मैं वो अलग मैटर था, यहाँ पे वो चीज के बारे में नहीं बात करूंगा, वो चीज में आपको ऑलरेडी दिखेगा प्रोग्रेस क्या है, शायद अगले 1 या 2 दिन में ही आपको दिखेगा वो 100% होगी, 100% क्या सारी एक्ट्रेसेस आपके एग्रीमेंट में हैं उसमें? आई थिंक वो हम अकेले में डिस्कस करते हैं।